ओके तैयार भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई वन प्लस की तरफ से आने वाले एक और नए ब्रांड न्यू दमदार एकदम बीस लेवल के स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में जिया गया। जैसे कि आप सभी को बताया कि भाई हमारे इंडिया में 28 अप्रैल को लॉन्च होने वाला भाई वन प्लस 10R। अब बेसिकली ये वही फोन होने वाला है जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है भाई वन प्लस एस के नाम से, और हमारे इंडिया में वो वन प्लस 10R के नाम से लॉन्च होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एकदम परफेक्ट गेमिंग बीस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड जो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है वो बिल्कुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली देखने को मिलने वाली, क्योंकि यार इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला भाई मीडियाटेक की तरफ से आने वाला भाई एकदम ब्रांड न्यू एंड मोस्ट पावरफुल चिपसेट, जो कि होने वाला भाई मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 मैक्स चिपसेट। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको ये चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा इनसेन लेवल का चिपसेट निकल के आता है। इसलिए क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि भाई वन प्लस 10R जो स्मार्टफोन निकल के आता है ये गेमिंग में कैसा होने वाला है, क्या ये फोन हमें गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं। तो डोंट वरी यार, आज की वीडियो में तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप एंड इसकी हीटिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल या फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है, क्या आपको 90 FPS देखने को मिलता है नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तर वन प्लस 10R 5G इस फोन का जो लुक एंड अपीयरेंस निकल के आता है वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग से निकल के आता है। काफी हद तक ये जो फोन है वो आपको बिल्कुल प्रीमियम फील देने वाला है भाई। हालांकि बैक पैनल से आपको ये बिल्कुल रियलमी जी न्यू 3 5G इसी फोन जैसा ही देखने को मिलने वाला है। एंड आप एक तरीके से कह सकते हैं वन प्लस 10R उसका ही एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में आपको लगभग सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। बट स्टिल वन प्लस 10R 5G स्मार्टफोन कुछ मामलों में थोड़ा बेटर निकल के आता है। तो इसलिए हम लोग वन प्लस 10R 5G इस स्मार्टफोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तो इस वीडियो को लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जान लेते कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली कितने लेवल का बीस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है। तो इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में। हाई जी आ गए, इससे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलने वाला है भाई स्मूथर हाई। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में भी हाई एंड HD में भी आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे। अब देखो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैंने तो कहा था कि भाई आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक का मोस्ट पावरफुल चिपसेट जो कि होने वाला भाई मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 मैक्स चिपसेट, और इवन यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट में स्मूथर एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्मूथर हाई का ऑप्शन क्यों देखने को मिलता है, तो देखा आपकी बात बिल्कुल सही है। बट अभी के टाइम के जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 मैक्स चिपसेट जो निकल के आता है वो अभी फिलहाल के लिए अनऑप्टिमाइज निकल के आता है। एंड हम सभी को पता है कि भाई मीडियाटेक के चिपसेट के साथ में यही हमेशा से कंसर्न रहा है कि वो इनिशियल स्टेज में ऑप्टिमाइज ही नहीं होते हैं, लेकिन फर्दर कुछ समय के बाद में वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब भी फोन हमारे इंडिया में लॉन्च होगा तो होप करता हूं कि भाई तब तक आपको पबजी वाला फिर BGMI में स्मूथर एक्सट्रीम या फिर स्मूथर 90 FPS का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट में ही देखने को मिल जाए, और वो डेफिनेटली मिलने ही वाला है, क्योंकि भाई इस फोन में जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा इनसेन लेवल का चिपसेट निकल के आता है। हालांकि अभी के टाइम के लिए आपको ये मिनिमम ग्राफिक्स में 30 FPS मैक्सिमम ग्राफिक्स में भी 30 FPS प्रोवाइड ही देता है, लेकिन हाँ उसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के देता है। एंड बेसिकली इस चिपसेट का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो लगभग 8,20,000 के आसपास का निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई इस फोन में आपको कितनी नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। बट स्टिल अभी के टाइम के लिए अनऑप्टिमाइज निकल के आता है, एंड इसलिए आपको 30 FPS देखने को मिल जाती है। तो अभी के टाइम के लिए तो गेमिंग के लिए तो उतना अच्छा ऑप्शन निकल के नहीं आता है, बट फर्दर कुछ समय के बाद में जब ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जब इसमें 60 FPS या फिर 90 FPS अनलॉक हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक हम इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो भाई मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट किया हो, ताकि मैंने चाहता कि भाई आपसे वो वीडियो डेफिनेटली मिस हो जाए। जब इसमें नई ग्राफिक्स अनलॉक हो जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस को आप जब देख लोगे और आपको लगेगा कि भाई ये फोन आपको लेना चाहिए, तभी जाके आपको इस फोन को कंसीडर करना है। बाकी देखो यार, पता है कि भाई इस फोन में आपको काफी इंसेन लेवल का चिपसेट देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी इस फोन में। बट यार अभी के लिए जो सिनेरियो निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि भाई आप इस फोन को अभी के टाइम के लिए गेमिंग के लिए कंसीडर करो। बाकी देखते कि भाई वन प्लस इसमें कितने जल्दी अपनी नई ग्राफिक्स को अनलॉक कर पाता
है। बाकी वही बात करते हैं भाई इस फोन के जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला भाई एज यूजुअल एकदम फिजिकल वाला जायरोस्कोप, जिसमें आपको कोई भी डिले जर्क एंड जिटरनेस देखने को नहीं मिलता है। काफी सॉलिड बैटरी, स्मूथ मक्खन मलाई वाला आपको जायरोस्कोप देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ आपको स्लाइटली हीटिंग वाला इशू देखने को मिलने वाला है। इवन 30 FPS में अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको कोई इशू तो देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें जब अंत इसको रन किया गया तो इसका जो टेम्परेचर था वो आराम से भाई 48°C टच कर गया था। तो मान करके चलो कि भाई अगर इसमें 60 FPS या फिर 90 FPS अनलॉक हो जाएगा तो एक घंटे की गेमिंग के आसपास में ही आपको इसका जो टेम्परेचर है वो भाई 46-48°C के आसपास जाते हुए दिखाई देने वाला है। तो डेफिनेटली इस फोन में आपको हीटिंग वाला इशू देखने को मिल जाएगा। इवन इस फोन में आपको काफी ज्यादा एडवांस लेवल का आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला है वर्ल्ड फर्स्ट सुपर क्रिस्टलाइन ग्राफाइट हीट डिसिपेशन वाला सिस्टम। बट यार इसकी हीट को वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। एनी ऑब्वियसली बात है भाई, जो भी चिपसेट आपको एकदम इंसेंट लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है तो वो हीट तो डेफिनेटली होने ही वाला है। तो सिमिलर केस आपको OnePlus 10R के साथ में भी देखने को मिल जाएगा। ये भी फोन काफी ज्यादा हीट होता है एंड हीटिंग के कारण ही आपको लॉन्ग टर्म की गेमिंग में थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं भाई इस फोन के साथ में। बाकी वही बात करते कि भाई आखिर आपको इतनी इंसेंट लेवल की परफॉर्मेंस किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। तो गाइस बात करते भाई OnePlus 10R इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब देखो इस फोन में आपको देखने को मिलता है 6.7 inches का एक 120 के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+ OLED डिस्प्ले विद 720Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ में, और 1000Hz का आपको इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलने वाला है। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 950 nits की ब्राइटनेस पीक भी देखने को मिलने वाली। तो ओवरऑल डिस्प्ले के फीचर्स के मामले में, डिस्प्ले के साइज के मामले में एंड डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़ा निकल के आता है। हालांकि इसमें आपको 2K डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में इस फोन में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला, और आपको 720Hz का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलने वाला है। LPDDR5 एंड UFS 3.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ डुअल स्टोरेज स्पीकर्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 150W फास्ट चार्जिंग के साथ में, और कंपनी ये क्लेम करती है कि भाई 0-100% ये हो जाएगा ओनली 17 मिनट में। तो भाई ये तो काफी ज्यादा इंस्टेंट लेवल की चार्जिंग निकल के आती है इस फोन की। हालांकि बैटरी का साइज थोड़ा कम दिया गया है, बट हाँ चार्जर काफी इंस्टेंट लेवल का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 7th generation इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर क्रिस्टलाइन ग्राफाइट हीट डिसिपेशन वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको काफी एडवांस लेवल का आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। बट स्टिल आ रही जो स्मार्टफोन है वो फिर भी काफी ज्यादा हीट होता है। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला भाई मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक का मोस्ट पावरफुल चिपसेट, जो कि होने वाला भाई मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 मैक्स चिपसेट, जो कि भाई 5nm बना हुआ चिपसेट है। डुअल 5GB चिपसेट है। लगभग 8,20,000 के आसपास का इसका अंतर स्कोर निकल के आता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि भाई ये Snapdragon 888 चिपसेट के कितना ज्यादा आसपास का चिपसेट निकल के आता है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस कितनी नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलने वाली, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हीटिंग वाला इशू भी डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको इतना तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो भाई पॉसिबिलिटीज आर हाई कि जब ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपको स्मूथ 60 या फिर स्मूथ 90 FPS डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। बाकी वही बात करते हैं भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो चाइना में लॉन्च हुआ है 4 वेरिएंट के साथ में, और हमारे इंडिया में भी 4 ही वेरिएंट के साथ में देखने को मिल सकता है। 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB 12GB 512GB एंड इसका जो बेस वेरिएंट निकल जाता है, यानी कि 8GB 128GB वो चाइना में लॉन्च हुआ है लगभग 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में। तो हमारे इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको ये फोन 35,000 रुपीज के प्राइस के आसपास के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। तो 35,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी ये फोन काफी इंसेंट लेवल का स्मार्टफोन निकल के आता है। लेकिन हाँ OnePlus की ब्रांडिंग के साथ में आने वाला, तो हो सकता है कि भाई आपको ये फोन हायर वेरिएंट के साथ में ये देखने को मिल जाए, यानी कि 12GB 256GB से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे जाए, और उसका प्राइस जो होने वाला है वो 40,000 रुपीज के अबो की प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई OnePlus के फोन हमेशा हमें 40,000 रुपीज के अबो की प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। बाकी यार आप सभी को फोन कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग ये फोन हमारे इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लॉन्च होना चाहिए, मुझे आप एक कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। एंड आपके अकॉर्डिंग ये फोन एक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बन पाएगा या नहीं, आप मुझे ये भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर आपको टॉप ऐसे बेस्ट अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है, जो कि आपको May 2022 में देखने को मिलने वाले, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको Realme GT Neo 3 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।